तो व्हाट आर द डू एंड डाई चैप्टर्स फॉर मैथमेटिक्स। आपको पता है मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 100 out of 200 मार्क्स मैथमेटिक्स में ही है, ठीक है। तो मेक श्योर मैथमेटिक्स का जो चैप्टर्स है वो करना तो करना ही, खास करके जो डू और डाई चैप्टर्स हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के वो कौन कौन से चैप्टर्स है, उसका वेटेज क्या है, एंड हर एक चैप्टर में से कितना मार्क्स पूछा जा सकता है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाला है। अगर जो भी और पहली बार चैनल विजिट किया तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है एंड शेयर करना है, ऐसे कई से कंटेंट आपके लाते रहेंगे टिल योर फाइनल एडमिशन। तो मेक श्योर सब्सक्राइब इज मस्ट, एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है डेडिकेटेड, आप उसको आज ही ज्वाइन कीजिए, हर एक अपडेट आपको मिलते रहेगा टिल योर फाइनल एडमिशन। और जो स्टूडेंट अभी तक मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, जो इस एग्जाम होने वाला है WBG 2024 का, जो डिटेल से मौजूद है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए आज ही एनरोल कीजिए। तो जी ये सब चैप्टर्स है जो मैंने लिख रखा है कंसिडरिंग लास्ट 4 to 5 years डेटा। तो लास्ट का 4 से 5 साल का जो एनालिसिस है मेरा खुद का, ठीक है, इसके हिसाब से मैंने लिख रखा है कि हाँ जी इस सेक्शन से इतने मार्क्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रेड मार्क करूँगा कि हाँ जी ये तो पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है, मीन्स डू और डाई चैप्टर्स जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रख लो, ओके, इसको लिख लो कि हाँ जी ये ऐसा कुछ चीज़ है मैं जो देखा हूँ, एंड तभी आप ढंग से चैप्टर वाइज से PYQ कर पाओगे, क्योंकि सारा करने जाओगे तो समय नहीं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कैलकुलस है, ठीक है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉनिक सेक्शन आपका सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आ जा रहा है। तो यहाँ से देखो आपका 30 ये हो गया, प्लस 10 मान के चल, मैं वर्स्ट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 30 प्लस 10 प्लस 10 यहाँ से मान के चलो, प्लस 10 यहाँ मान के चलो, ठीक है, 30, 40, 50, 60, मतलब कि अगर सब मिला के दिखाया जाए तो आपका 65 तो इधर से ही आ जाएगा, या बोल दीजिए 60%, ठीक है। तो 60% एटलीस्ट आपका यही कवर कर देगा ये चीज़, देखो ये 60 नंबर आपको यही कवर करके देने वाला है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर करके रख लो, इसको छोड़ना है नहीं, यही डू और डाई चैप्टर्स हैं। और जहाँ तक बात रहा इसका, सपोज़ आपने ये ढंग से करके रख लिया, ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर्स है, अब देखो PNC काफ़ी लोग का टफ लगता है, होता है नहीं, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, भले इसमें वेटेज काफ़ी ज़्यादा 7 से 9, बट सिंस मतलब उतना नंबर चाहिए तो समय भी काफ़ी अच्छा खासा देना पड़ेगा, जो कि अभी है नहीं, सो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ट्रिगो में देखो आप इन्वर्स करके रख लो, सारा नहीं करना है, बस इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन वो कर लो, क्योंकि इन्वर्स से क्वेश्चन ईजी आता है, आप कर लोगे। सिक्वेंस सीरीज तो आप जो GP है वो करके रख लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आते ही आते हैं, इनफाइनाइट वाला, ठीक है, खास करके वो करके रख लो। लॉगरिथम स्टैटिस्टिक्स, बस ये चैप्टर वाइज POI करोगे तो आराम से हो जाएगा, ऐसे कुछ है ही नहीं। तो कुछ ये रहा लास्ट का जो सेक्शन में बताया, बाकी ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सो करना तो करना ही है। लेट से आपको कोई चैप्टर काफ़ी टफ लग रहा है, मतलब कि कुछ आता ही नहीं है, मतलब जीरो एकदम हो आप उस चैप्टर में, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला करके रख लो। मैं बहुत बार रिपीट कर दियो, हर एक को बताता हूँ कि अगर कोई चैप्टर नहीं आता है बट उसका फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। सपोज़ आपका एक सीक्वेंस सीरीज है, आपको एक फॉर्मूला है इन्फाइनाइट वाला, ये जो भी है आपको नहीं पता कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद कर लो, आप सॉल्व कर लो कि एक नंबर कन्फर्म आ ही जाएगा। सपोज़ डेफिनेट इंटीग्रल्स है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी वाला कुछ फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, तो याद होता है तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये जो कैटेगरी ए का जो क्वेश्चन है फॉर्मूला अप्लाई करने से ही हो जाता है, तो फॉर्मूला मिस बिल्कुल नहीं करना है। एंड वैसे हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं हम लोग का जो मॉक टेस्ट है, अगर वो करते हो तो इजिली आप प्लस 10 और स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो 60 आपका पॉसिबल है आउट ऑफ 100 इजिली, अगर ये चीज़ फॉलो। सो राइट नाउ आँख बंद करके अभी बस ये तीन चीज़ करना है आपको, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका चैप्टर वाइज PYQ सारा कर लो, ठीक है, सारा पढ़ डालो, कोई छोड़ना नहीं है, ये जो खास करके ये जो चीज़ है जो मैं अंडरलाइन किया हो, कोई छोड़ना नहीं है। हम लोग जो मॉक टेस्ट है, जो 10 full-scale मॉक टेस्ट है, उसको पूरा रट डालो, ठीक है, मतलब भर डालो कॉन्सेप्ट जो आप सीख रहे हो, एंड थर्डली फॉर्मूलाज कर डालो, बस ये तीन चीज़ कर लो, आप अच्छा स्कोर कर ही लोगे मैथमेटिक्स में। स्टिल कुछ डाउट है आपके मन में, कुछ प्रश्न को लेकर के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में PDF अटैच कर दी है, ठीक है, तो जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, आप PDF को मिल ही जाएगा।